नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फ्रेंडशिप इन प्रोडक्शन में। दोस्तों हम कवर करने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का मैच नंबर 17, जो कि दोस्तों खेला जाएगा तंजानिया वर्सेस नामीबिया टीम्स के बीच। डिफेंस करेंगे फो दोनों टीमों के एक एक प्लेयर के स्टार्ट अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। इस मैच का टीम कॉम्बिनेशन कर रहे वाला हमारा, वो भी आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो लाइक करके शुरुआत करना। यदि आपने अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले मैच इसके वीडियो टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों हमारा फाइनल अपडेट आपको मिलेगा, जो हमारी फाइनल टीम मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो आपने जल्दी से आके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम के साथ साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ भी हमें जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम के साथ साथ हम व्हाट्सएप चैनल पर भी अपडेट देते हैं। बाकी कभी कभार लिंक वर्क ना करें तो आप टेलीग्राम पर सर्च करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अपने टेलीग्राम पर जाइए और सर्च करिए @realfwp, आपको फ्रेंडशिप इन प्रोडक्शन का चैनल दिख जाएगा। लेकिन 25,000 के आसपास सब्सक्राइबर होंगे, वही हमारा रियल चैनल है और उसी चैनल को आपने ज्वाइन करना। अब दोस्तों बात करें मैच की, तो मैच अब से कुछ देर बाद दोपहर में 1 बजे से शुरू होगा और दोस्तों मैच होने वाला है वंडर्स क्रिकेट ग्राउंड विंडहॉक नामीबिया के अंदर मैच खेला जाएगा। यदि बात करें दोस्तों मैं कि पिच की, तो अभी तक इस ग्राउंड के अंदर इस टूर्नामेंट के जो मैचेस खेले गए हैं एक बैलेंस विकेट देखने को मिला है, लेकिन बॉलर्स को ही एक्स्ट्रा एडवांटेज है। आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई स्कोरिंग मुकाबले नहीं देखे होंगे। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है जब एक मजबूत टीम और कमजोर टीम का मैच होता है तो फिर मजबूत टीम बड़ा स्कोर बना देती है, नहीं तो दोनों टीमें बैलेंस हैं तो आपको एक मतलब 150 के आसपास वाला पिच दिखेगा। इसी रेंज में स्कोर यहाँ पे होता है आमतौर पर, लेकिन इस मैच में आप दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर देख सकते हैं। उसका कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक मजबूत टीम और कमजोर टीम का मैच है तो आप यहाँ पे 140-160 के रेंज में स्कोर नहीं देखेंगे। ये आमतौर पे देखने को ज़्यादातर इसी रेंज में मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक टीम काफ़ी कमजोर है और एक टीम बहुत मजबूत है। तंजानिया की बात करें, 4 मैच खेले हैं, 4 मुकाबले हारे हैं, तो इनकी टीम पहले बैटिंग करने आएगी तो हो सकता है इनकी टीम 100 रन के करीब बनाए, तो आपकी टीम इनकी टीम से ज़्यादा प्लेयर आपने नहीं लेना है। यदि आप दूसरी टीम की बात करेंगे जो रहने वाली है नामीबिया, इन्होंने पॉइंट टेबल पर टॉप पे हैं, 4 मैच खेले हैं, 4 मुकाबले जीते हैं, तो सिंपल से टीम मजबूत है। ये लोग पहले बैटिंग करेंगे तो 200 भी इस ग्राउंड में मार सकते हैं और एक मैच में इन्होंने 200 किया भी इस टूर्नामेंट में। तो आपने क्या करना है, सिंपल सा नामीबिया को फेवरेट रखना है। इनके जो 7 से 8 प्लेयर अच्छे हैं, 8 से 9 प्लेयर आपके लिए, तो उनको आपने अपनी टीम में रखना है। बाकी आपने सीधे सिर्फ 2-3 प्लेयर ही लेने हैं तंजानिया के, जो अच्छे हैं, जो उनके ऑलराउंडर्स हैं। तंजानिया के लिए आपको ओपनिंग करते देखेंगे अभिक पटवा, उनके साथ ओपन करने आएंगे इवान सिलेमानी। यदि बात करें दोस्तों अभिक जो राइट हैंड बैट्समैन है, अब जो 4 मुकाबले उन्होंने खेले हैं, आप इनका परफॉर्मेंस देखिए। लास्ट गेम में 50 किया था, उसके पहले 11, 18 और 20 किया हुआ है, तो 3 मैच में देखिए कुछ खास स्कोरिंग नहीं है। लास्ट गेम में जरूर अच्छा स्कोर रहा, इस टूर्नामेंट से पहले 28 का इनका T20 बैटिंग और रिश्ता। एज ए प्लेयर आप चाहो ट्राई कर सकते हो, स्पेशली ऐसे एप्लीकेशन में आप ट्राई कर सकते हो जहाँ पे एक टीम से 4 प्लेयर लेने जरूरी होते हैं, तो वहाँ पे आप इनको ले सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, सामने टीम मजबूत है, लेकिन 20-25 आपको करते हुए कभी भी दिख सकते हैं। इनके साथ ओपन करने आएंगे इवान सिलेमानी, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है। T20 में इनका 27 का बैटिंग हो रहा है, जो 3 में 4 मैच हमें खेले उसमें से 2 अच्छे स्कोर रहे हैं। लास्ट गेम में 26 भी ठीक है, उसके पहले वाले गेम में 45 का भी स्कोर सही, लेकिन शुरुआत के जो दो गेम रहे हैं वहाँ पे 1 और सिर्फ 2 ही किया हुआ है। रिस्की जरूर रहेंगे, लेकिन आप एज ए प्लेयर लेना चाहें ले सकते हैं, और ऐसे एप्लीकेशन में ही मेरे हिसाब से ट्राई करिए जहाँ पे अपने एक टीम से 4 प्लेयर लेने जरूरी होते हैं, 7-4 का कॉम्बिनेशन बनता है। यदि आप ड्रीम पे खेल रहे हैं या फिर ऐसे ऐप पे खेल रहे हैं जहाँ पे 10-1 का कॉम्बिनेशन होता है, तो वहाँ पे आप इनसे अच्छा है किसी एक बॉलर या ऑलराउंडर के बारे में सोचिए। नीचे देखेंगे दोस्तों ऐसे उमारी किटुंडा, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, अब जो 4 मैचेस खेले हैं बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस देखने को मिला है, 3-0, 7 और 15, 3 मैच में अंडर 10 आउट हुए हैं। तो ऐसे प्लेयर्स का कोई मतलब नहीं है, आसानी से अपनी टीम से आप इनको निकाल दीजिए। इस टीम के जो कीपर है ना, अमल पुथेन पुलरालियल, जिस टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज है, राइट हैंड बैट्समैन है, अब जो 4 मैचेस खेले हैं 10, 15, 2 और 7 किया हुआ है, 2 मैच में 10 के ऊपर आंकड़ा गया, 2 मैच में अंडर 10 आउट हुए हैं, लेकिन कीपिंग भी करेंगे वहाँ से भी कुछ पॉइंट दे सकते हैं। नामीबिया का भी आप कीपर लेके जा सकते हो, लेकिन नामीबिया का जो कीपर है ना, उसने ज़्यादा पॉइंट दिए नहीं इस टूर्नामेंट में, बहुत कम, आखिरी के 2 गेम से तो उसको एक भी कैच नहीं मिल रहा। तो मेरे हिसाब से आप इन्हीं को लेके जाइए, यही बेहतरीन पिक रहेंगे। 10-15 रन बना देंगे तो भी ठीक है, नहीं भी बनाएंगे तो आप ले सकते हो, अपनी टीम में सेफ भी रहेंगे। ओवरऑल T20 में 28 रन का एवरेज है, तो वैसे बैटिंग तो कर ही लेते होंगे तभी 28 का एवरेज है, तो 20-25 कम करने की क्षमता ये रखते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नीचे देखिए दोस्तों ऐसे कासिमू नसारो, जो कि राइट हैंड बैट्समैन राइट आर्मेड भी ऑलराउंडर है, लेकिन लास्ट गेम में 3 ओवर डाल के 1 विकेट निकाला, उसके पहले वाले गेम में बॉलिंग नहीं कराई थी, 5 रन की थे। शुरुआत के 2 गेम खेले थे, 1 मैच में 2 ओवर 1 मैच में 1 ओवर डाल था। बैटिंग से एक ही मैच में 10 का स्कोर है, तो बैटिंग से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करिएगा, लेकिन 1-2 ओवर की बॉलिंग भी करके जा रहे तो ठीक ठाक से ऑप्शन रहेंगे, आप ट्राई कर सकते हैं। अखिल अनिल की बात करें, लेफ्ट हैंड बैट्समैन ऑफ ब्रेक बॉलिंग करेंगे, आपकी टीम में मस्ट हैव पिक रहेंगे, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे। लास्ट गेम में 13 रन किए प्लस 1 विकेट निकाले, 2 ओवर डाले, उसके पहले वाले गेम में 17 किए थे, 4 ओवर डाल था, उसके पहले करीब 3 ओवर डाले थे, 2.4 ओवर, और उसके पहले भी 2 ओवर डाले थे, तो आपको 2 से 3 ओवर के आसपास बॉलिंग डालते हुए देखेंगे। बैटिंग से भी 15-20 रन कर सकते हैं, 4 में से आप 3 इनिंग देखिए, 16, 17 और 13, मतलब 15-20 रन बैटिंग से बना सकते हैं, तो अपनी टीम में आप इनको जरूर रखें। नीचे देखिए दोस्तों एली मपे का कीमोटो,
राइट आर्म मीडियम डालते हैं, बैटिंग से उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, मतलब देखेंगे 16-13, 4-0 मतलब 4 का स्कोर है, 3 मैच में बैटिंग आया है, जहाँ पे मतलब 10-15 रन बना सकते हैं। बॉलिंग से बात करें, लास्ट गेम में 3 ओवर डाले, उसके पहले 1 और 2 ओवर डाल रहे थे, तो आप मेरे हिसाब से आप ग्रांडली के अंदर ट्राई करें, 2 ओवर के आसपास बॉलिंग डाल सकते हैं। सरुम कैली जुमे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, राइट हैंड राइट लेफ्ट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम, लास्ट गेम में 2 विकेट निकाले, पर 13 रन बनाए, 3.4 ओवर डाले, उसके पहले गेम में 10 रन किए थे, 4 ओवर डाले, उसके पहले 24 रन किए थे। तो आप बैटिंग से इनका परफॉर्मेंस देखिए, 24-10-13 नॉट आउट हैं, तो बढ़िया ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे तो अपनी टीम में ट्राई करें, बॉलिंग भी 3-4 ओवर डालें। संजय कुमार ठाकुर का बैटिंग से परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, 22 और एक ही मैच में मतलब बैटिंग से अच्छा रहा है, बाकी बॉलिंग तो 3-4 ओवर डाल लें तो ट्राई कर सकते हो, ठीक ठाक से खेल रहेंगे। राशिद चौहान भी एक मैच में 4 ओवर डाला, 2 मैच में 3 ओवर डाले, ग्रांड लीग के अंदर ट्राई कर सकते हो, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में ट्राई कर लीजिएगा। और नीचे देखेंगे यालिंदे नकानिया, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स आप छोड़ सकते हैं, 1-2 ओवर ही डाल लें। तो ये प्लेइंग 11 मतलब आखिरी के 2-3 मैच से ही खेल रहा है इनका, ये लोग ज़्यादा चेंजेस करते नहीं हैं, वैसे भी इनका परफॉर्मेंस कुछ खास देखने को नहीं मिला और बैटिंग ऑर्डर भी लगभग यही देखने को रहेगा। अब बात करें दोस्तों इस मैच की, मैच सेकंड टीम है नामीबिया की, जिनकी लगभग फिक्स प्लेयर हैं, ये टीम टॉप पे है, हर मैच में आप इस टीम से वही 7-8 प्लेयर लेते हो, वही आपने 8 प्लेयर पर फोकस करना है। और लेकिन आपको जो मेरे फाइनल टीम मिलेगा ना, टॉस के बाद आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन पे कमेंट लिंक है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। और वीडियो पर दोस्तों 25,000 दोस्तों ज्वाइन किया हुआ, जुड़ा बिल्कुल फ्री है, तो आप भी जल्दी से आकर ज्वाइन कर लें। अब दोस्तों नामीबिया की बात करें, जिन्होंने 4 मैच के लिए 4 मुकाबले जीते हैं और वर्ल्ड कप के लिए लगभग T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए टीम क्वालिफाई कर चुकी है, आपको वर्ल्ड कप में टीम खेलते हुए नजर आएगी इस साल, तो इनका लगभग 99.9% आप कह सकते हो इनका कंफर्म वर्ल्ड कप खेलना, बहुत बढ़िया पहुंच गया इस टीम ने। इस टीम की तरफ से आप ओपनिंग करते देखेंगे वन लिंगन के साथ ओपन करने आएंगे निको डेविन। बात करें दोस्तों लिंगन की, जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, अब जो 4 मैचेस खेले हैं आप इनका पहुंच देखिए, 5, 24, 23 और 30, 3 मैच में ठीक है, 24, 23, 30 मतलब अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, ठीक है, पहुंच आप कोई माइंड नहीं करेगा। लेकिन दूसरी बात क्या है, मजबूत टीम के अंगेज से थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जब सामने टीम कमजोर होती है तो उसके अंगेज इनका बल्ला चलता है, अटैकिंग बल्लेबाज हैं, सामने टीम कमजोर है तो रन बनने के चांसेस रहेंगे, तो अपनी टीम में जरूर ट्राई करें। कमजोर टीम के अंगेज मजबूत टीम के ओपनर हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, भले ही वो अच्छा खेल रहे हों टूर्नामेंट में ना खेल रहे हों, निको डेविन भाई कैप्टन जरूर कर दीजिएगा, जब चलते हैं तो बड़ा स्कोर का। अब देखिए इस टीम ने, नामीबिया ने अभी तक सारी मजबूत टीम्स को हराया है, युगांडा को हराया, जिम्बाब्वे को हराया, उन लोगों के अंगेज भी जिम्बाब्वे के अंगेज से बड़ा स्कोर आया था निको डेविन का। अब 4 मैच 2 इनिंग 80 है, जिसमें 80+ किया है, 2 मैच में 23 और 19 है, 23 और 19 आप एकदम से फेलियर नहीं कहेंगे, लेकिन जिस हिसाब से इनका प्रदर्शन रहा है आप इसको फेलियर ही कहेंगे। निको डेविन अच्छे पावर हिटर हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छे ऑप्शन रहेंगे, सामने टीम कमजोर है तो बल्ला इनका चल सकता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। गेरार्ड एरास्मस सेफ कैप्टन से ऑप्शन, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग, लास्ट गेम में 3 ओवर 1 विकेट 3 रन, उसके पहले 2 ओवर 1 विकेट 16 रन, फिर 3 ओवर 2 विकेट 35 रन और उसके पहले 4 ओवर 1 विकेट, हर मैच में इनको विकेट मिला, एक ना एक 2 विकेट निकाल ही रहे हैं, 3 मैच में इन्होंने 1-1 विकेट निकाले, 1 मैच में 2 विकेट निकाला, बॉलिंग 3 ओवर के आसपास डाल दे रहे हैं, किसी मैच में 4 भी डाल दे रहे हैं। और बैटिंग से देखा जाए तो अच्छा स्कोर रहा है एक मैच में 35 का, नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे, 3 ओवर के आसपास बॉलिंग करेंगे, सेफ ऑप्शन रहेंगे स्मॉल लीग के अंदर कैप्टनसी के। जान फील्डिंग को टीम एक बैटिंग ऑलराउंडर की तरह यूज कर रहे हैं, बॉलिंग 3 मैचेस में 1-1 ओवर करा है, लेकिन बैटिंग से आखिरी की 3 इनिंग आप देखिए 30, 45 और 57 की हैं, जिसमें से आखिरी 2 इनिंग में आउट ही नहीं हुए, तो बढ़िया ऑलराउंडर है, सेफ कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे, स्पेशली बैट फर्स्ट में, सेफ तो नहीं कहूंगा लेकिन वाइस कैप्टन बना सकते हो बैट फर्स्ट में, क्योंकि नंबर 4 पे बैटिंग करने ऊपर बैटिंग करने आ रहे हैं। लास्ट गेम में नंबर 5 पे लॉफ्टी ईटन को भेजा गया था, लेकिन 2 रन बनाए, बहरहाल आप इनको छोड़ दीजिएगा, कभी 1 ओवर मिलता है, कभी बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आते हैं, कोई भरोसा नहीं है भाई, एवरेज परफॉर्मेंस रहा है, आसान से छोड़ सकते हैं। जो नाथन स्मिथ की बात करें, लास्ट गेम में 4 ओवर 1 विकेट 14 रन, उसके पहले 30 रन, उसके पहले फिर 1 विकेट फिर 3 विकेट, तो बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है, बॉल फर्स्ट में ट्राई करिएगा। लेकिन देखिए एक गेम में उन्होंने बॉलिंग नहीं कराई थी, उस वो गेम थोड़ा छोटा हुआ था, इस वजह से उन्होंने बॉलिंग नहीं डाली थी, और दूसरा क्या कारण था, उस गेम में टीम ने एक एक्स्ट्रा बैटर के साथ गई थी, तो ध्यान दीजिएगा प्लेइंग 11 सॉरी एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ टीम गई थी, इस वजह से उन्होंने बॉलिंग नहीं डाली थी। यदि लाइनअप में मान लीजिए कोई चेंज होता है, टीम लॉफ्टी ईटन की जगह मान लीजिए एक एक्स्ट्रा बॉलर खेलती है, तो उस कंडीशन में फिर मतलब ओवर कट सकते हैं यहाँ पे स्मिथ के, तो उस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है, प्लेइंग 11 देखना जरूर है। नीचे देखिए दोस्तों डेविड बीज, ये बढ़िया एक्सपीरियंस ऑलराउंडर है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम, लास्ट गेम में 1 विकेट, उसके पहले विकेट लेस, फिर 4 विकेट, तो बॉलिंग फर्स्ट में मेरे हिसाब से ज़्यादा बढ़िया पिक रहेंगे, डेथ में भी डालेंगे और अच्छे बॉलर हैं। जेन ग्रीन भाई कीपिंग से पॉइंट देंगे, लेकिन अभी तक इनको टोटल आप देखेंगे ना ड्रीम पिन के कुल 46 पॉइंट है, जिसमें से 4 मैच में तो इनको 4-4 पॉइंट जो एक्स्ट्रा मिलते हैं वो मिल गए होंगे 16 पॉइंट, मतलब कुल इस बंदे ने 4 मैच में 30 पॉइंट दिए हैं, यदि आप 16 पॉइंट काट दें तो मतलब भाई इसको कीपिंग से भी पॉइंट नहीं मिल रहे, पता नहीं मतलब क्या हाल है इनका, तो आप सामने वाली टीम का कीपर ही लेके जाइए। एचपी के फ्रांस की बात करें, लास्ट गेम खेले थे 3 ओवर करा के 1 विकेट निकाला, लेकिन ओवरऑल इनके आंकड़े अच्छे नहीं, 18 गेम में सिर्फ 5 विकेट हैं, तो ओवर कट सकते हैं, जीएल के अंदर ही आपने ट्राई करना है, रख सकते हैं स्मॉल लीग में, लेकिन थोड़ा सा रिस्क जरूर रहेगा। बेनार्ड स्कूल्स की बात करें, जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, लास्ट गेम में जरूर विकेट लेस रहे, उसके पहले 1-1 विकेट निकाला हुआ था और 4 ओवर हर मैच में करके जा रहे थे। लुंगमनी भी अच्छे बॉलर हैं,
सेकेंड लास्ट मैच में मैच छोटा था, बॉलिंग नहीं मिली, लेकिन उसके अलावा जितने भी मैच खेले हैं हर मैच में उन्होंने दो दो विकेट निकाले हैं और तीन ओवर के आसपास कम से कम डाली है बॉलिंग। तो ये इनका प्लेइंग 11 है, जिसमें से मेन बॉलर्स की बात करें तो दो बॉलर यहाँ से आपको दिख गए मेन, और ऊपर आपको तीन यहाँ से दिख गए, मतलब दो यहाँ से स्मिथ और विजय हो गए, चार हो गए, पाँचों बॉलर हो गए टीम के पास इरास्मस। लेकिन इसमें से किसी को ओवर करते हैं तो एक आध ओवर यहाँ से जान फील्डिंग कर सकते हैं और यहाँ से पिकिया फ्रांस भी डाल सकते हैं, दिन रहा तो दो तीन ओवर भी डाल देते हैं। लेकिन इनके भी आप आंकड़े देखिए, 18 गेम में 5 विकेट, वैसे कम ही बॉलिंग करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस मैच की टीम की, लेकिन जो भी मेरी फाइनल टीम बनेगी टॉस के बाद बनेगी मैं आपके साथ टेलीग्राम पर जरूर शेयर करूंगा। 25,000 ज्यादा दोस्तों ज्वाइन किया हुआ है टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन पहले कमेंट लिंक है टेलीग्राम पर, आप भी हमें जरूर ज्वाइन कर लें। या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, रियल FW पर सर्च करिए, 25,000 के आसपास का सब्सक्राइबर का चैनल देखिए और ज्वाइन करिए। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम इस मैच की टीम की। दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में सेफ ही प्लेयर लेके जा रहा हूँ, अमल पुथिन पुथरालियल को, जो कि तंजानिया के प्लेयर हैं। देखिए ये मिडल ऑर्डर के अंदर बैटिंग करते हैं, बैटिंग से शायद 15-20 रन बनाए, लेकिन ओवरऑल 28 का T20 में बैटिंग एवरेज है, बस यही कारण है मैं इनको ले रहा हूँ अपनी टीम में। अब दोस्तों जेन ग्रीन को आप ले सकते हो, कीपिंग से दिन रहा तो अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन कीपिंग से कितने पॉइंट देंगे वो भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। बॉल एज लग के यदि आएगा इनके पास, स्टंप खड़ने का मौका मिलेगा तभी कुछ हो सकता है। बाकी जेन ग्रीन ने अभी तक तो कीपिंग से कुछ खास पॉइंट नहीं दिए, चार मैचेस खेले हैं, बैटिंग तो नहीं आई, लेकिन सिर्फ 46 पॉइंट इनको मिले हैं चार मैच में, जिसमें से चार पॉइंट जो पर मैच मिलते हैं तो उसके 16 पॉइंट हो गए और इन्होंने सिर्फ 30 पॉइंट ही कीपिंग से दिए हैं। तो मतलब सिंपल सा लॉजिक है भाई, बहुत ज़्यादा आप इनसे कीपिंग से पॉइंट उम्मीद नहीं कर सकते हो, इसलिए मेरी टीम में अमल पुथिन पुलारियल रहने वाले हैं, जो कि शायद बैटिंग से 15-20 कर जाए, और सबसे बड़ी बात सेफ भी हैं, तो फालतू का रिस्क यहाँ पे लेने का कोई मतलब नहीं है। अब आगे के प्लेयर पे हम फोकस करेंगे। बैटिंग सेक्शन से दो प्लेयर हैं, दोनों मस्टरपीक हैं, निको डेबन हो गए और एमोन लिंगन हो गए, दोनों को अपनी टीम में जरूर रखिए। GL के अंदर आप लिंगन को एप्टोनाइज कैप्टन कर सकते हो, GL स्मॉल लीग दोनों जगह आप CBC कर सकते हो डेबन को। यहाँ पे जो तीसरा प्लेयर है, जो लोग ऐसे ऐप पे खेले हैं जहाँ पे तीसरा बैटर लेना है, वो लोग यहाँ से ले सकते हैं अपनी टीम में, ऐसे अभी पटवा को, जो कि अच्छे बल्लेबाज हैं, बतौर ओपनर खेलेंगे, या फिर यहाँ से सिलेमानी को भी ट्राई कर सकते हो, और यहाँ पे कोई इतना अच्छा ऑप्शन है नहीं। ऑलराउंडर सेक्शन में 5 प्लेयर लिए हैं, डेविड बीज हो गए, मार्विन रिसमस हो गए, जान फील्डिंग हो गए, और इसी देखेंगे दोस्तों यहाँ से जोनाथन एप्सन, सारे इंपॉर्टेंट है। यदि आप ऐसे ऐप पर खेलें जहाँ पर 4 ऑलराउंडर लेने हैं तो चारों को जरूर लेके जाएँ, और आखिर अनिल को भी मैं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि बढ़िया तंजानिया के ऑलराउंडर हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन में टीम में 3 प्लेयर लेने वाले हैं, यहाँ से SLE जुम्मे हैं, ये आपकी टीम में इंपॉर्टेंट रहेंगे, थोड़ा बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग कराएंगे, बर्नार्डस को 3-4 ओवर डालेंगे, भी मस्ट पिक रहेंगे। तीसरा लुंगे मैनी है, 4 मैच में 6 विकेट चटका चुके हैं, तो ये भी आपकी टीम में रहेंगे, लगभग 3 ओवर जरूर डालते हैं। एक प्लेयर और है जिसे मैं लेना चाहता हूँ, बॉल फर्स्ट में हो सकता है मैं ले भी लूँ, वो है HPKF फ्रांस, 25% सिलेक्शन है, लास्ट गेम खेले थे जहाँ पे उन्होंने 1 विकेट निकाला, लेकिन नामीबिया पहले बॉलिंग करेगा, शायद मैं इनकी जगह सोच सकता हूँ लेने का, 9-2 का भी कॉम्बिनेशन बन जाएगा, देखते हैं टॉस के बाद क्या करना है। कैप्टन वाइस कैप्टन और टीम की फाइनल प्रीव्यू की बात करें तो दोस्तों मेरी टीम के कैप्टन रहने वाले हैं GMRV रिस्मस, स्मॉल लीग खेल रहे हैं तो सेफ है, प्रयोग करिए। वाइस कैप्टन निको डेबिन है, नामीबिया पहले बैटिंग करेगा तभी मैं निको डेबिन को वाइस कैप्टन करूंगा, बैट फर्स्ट में बड़ा स्कोर बना सकती है अभी एक टीम, सामने टीम कमजोर है, तो वाइस कैप्टन से अच्छे ऑप्शन आएंगे, जो थोड़ा सा रिस्क लेने चाहे वर्लिंगन की तरफ भी दे सकते हैं बैट फर्स्ट में, जान फील्डिंग को भी बना सकते हैं बैट फर्स्ट में, लेकिन यदि पहले बॉलिंग आ जाता है नामीबिया का तो उस कंडीशन में इनको बॉलर्स को वाइस कैप्टन करेंगे, जैसे डेविड भी चार ओवर पूरे डाल रहे हैं, डेथ में भी आ रहे हैं, इस वजह से वाइस कैप्टन ये हमारे हो जाएंगे। जोनाथन स्मिथ को भी बना सकते हैं, बर्नार्डस को और लुंगामरी भी पूरे ऑप्शन नहीं रहेंगे, तो टॉस के अकॉर्डिंग वाइस कैप्टन चेंज करेंगे। कैप्टन स्मॉल लीग पे यही रखिए, दुनिया करके जा रही, आप भी फालतू का रिस्क मत लीजिए। बाकी जो लोग GL खेलें तो यदि पहले बैटिंग आती है नामीबिया के, तो उनके टॉप ऑर्डर के बैटर्स को CBC करेंगे, जो उनकी टीम पहले बॉलिंग करती है, जो मेन बॉलर हैं जो 4-4 ओवर लगातार करके जा रहे हैं, उनको आप ग्रैंड लीग में CBC करेगा। बहरहाल टीम में स्मॉल लीग के ही, इस टीम में कुछ भी चेंजेस करता हूँ तो फाइनल टीम में टॉस के बाद आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आपने ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आपने जुड़ जाना है। ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पर 25,000 से ज्यादा दोस्तों ज्वाइन किया हुआ है, जुड़ना बिल्कुल फ्री है। वीडियो पसंद आया हो ना तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन पहले कमेंट में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप जरूर बता सकते हैं, और बाकी वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम पे आपने जुड़ जाना है, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप का भी लिंक है, वहीं फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं टेलीग्राम पे, वीडियो वॉच करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।